एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बायोटिन शेक। इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ बायोटिन पाउडर और बायोटिन ड्रिंक की रेसिपीज़। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो बायोटिन यानी विटामिन B7 को हम विटामिन H भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों की, हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये हमारे बालों तक नरिशमेंट पहुंचाता है, बालों में कैरेटिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारे स्किन और नेल्स के लिए भी। इसके साथ साथ ये हमारे लीवर और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहता है, सो हमारी बॉडी को ये रेगुलर मिलता रहे उसके लिए हमें इसको अपनी डाइट में रेगुलर इंक्लूड करना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको शेक बनाने के बाद ये भी बताऊँगी कि आपको इस ड्रिंक को कब लेना है और दिन में कितनी बार लेना है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से अपना बायोटिन शेक। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक पका हुआ केला, यानी कि एक राइप्ड बनाना। बनाना के अंदर होता है फाइबर, कार्ब्स, बी विटामिन्स, पोटेशियम और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इसमें बायोटिन भी होता है। नेक्स्ट हमें ऐड करना है, एक बनाना हमने ऐड किया है तो उसके साथ हम ऐड करेंगे 4 बादाम। आपको बादाम भिगोने नहीं हैं, सीधा आप ऐसे ही डाल सकते हैं इसके अंदर, या आप चाहें तो रात भर भिगोकर उनको छील कर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे एक छिला हुआ अखरोट, यानी कि अखरोट की गिरी। अखरोट के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B7 यानी कि बायोटिन होता है। और उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें 4 काजू, और साथ में हम ऐड करेंगे 8 से 10 मूंगफली के दाने। काजू और मूंगफली दोनों में ही विटामिन B बहुत ज़्यादा होता है और साथ में प्रोटीन भी बहुत होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बालों की, नेल्स की और स्किन की हेल्थ के लिए। अब हमें इसमें ऐड करना है या तो दूध, या फिर अगर आपको लगता है कि दूध डालने से आपका वेट बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है दूसरा, आप ऐड कर सकते हैं इसमें नारियल पानी। मैं यहाँ पर दूध ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे वेट का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप नारियल पानी के साथ इस शेक को बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा, क्योंकि नारियल पानी के अपने बेनिफिट्स हैं हमारे हेयर हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए। तो बस हमें लिक्विड ऐड करना है, पानी, नारियल पानी या मिल्क, और उसके बाद मिक्सी ब्लेंडर में इसे 2 मिनट चलाइए और हमारा शेक तैयार है। आप चाहें तो इसमें मीठे के लिए मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ मीठा ऐड नहीं किया है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि बायोटिन यानी विटामिन B7 का मेजर रोल होता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो आपको इस ड्रिंक को हमेशा मॉर्निंग में लेना है, आपको इस ड्रिंक को कभी भी इवनिंग में या नाइट टाइम पर नहीं लेना है। आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आप इस ड्रिंक को ले सकते हैं। सो गाइज, इंक्लूड करिए इस बायोटिन शेक को अपने डेली डाइट में, कम से कम 4 वीक्स इसको आप लें, और उसके बाद अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।